नमो अर्यताणं नमो सुप्तानं नमो अयर्याणं नमो वोचनं नमो लोये सर्वसावं नमो समय साराय स्वानु भूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो वरि मंगलं कुंद कुंदारी जय धर्मोत्तम मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मान जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं व्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय कुछ प्रश्न है तो चर्चा कर रखेंगे आगे नहीं निकल तो जाओ साधना नहीं करता है और अंदर है तो साधक कहते हो
नहीं, ये गलत है। ये आप पर्यावरण को देखते हो, इसलिए उपयोग बारे तो आप बाधक कहते हो। हम उपयोग अंदर रहते हो, साधक कहते हो। न मैं बाधक हूँ, न मैं साधक, मैं तो जो हूँ सो। अच्छा, फोटो कितने? ये पर्याय की जो डेफिनेशन है मुझे लागू नहीं होती, क्योंकि मैं द्रव्य हूँ, अचिंत्य शक्ति वाले स्वयं परमात्मा हूँ। तो मुझे ऐसा मत को यहाँ तक लिखा कि मुझे मुक्त कहना। जब मैं भगवान हो जाऊंगा तो आप लोग कहोगे कि देखो मुक्त हो गया। गाली क्यों देते हो मुझे? क्या बोले? मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे ऐसा बोले कि तुम मुक्त हो गए। जैसे हम लोग सज्जन आदमी है, कभी गलत काम नहीं करते। रास्ते में कोई मिला और ओ कब छूट के आए जेल में से, क्या लगता है? अच्छा लगता है, क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है। पार्टी दे हो, कब छूट के आए जेल में से, ऐसा बोलेगा तो क्या होगा? पूछोगे उसको भाई क्या बात है, मैं गया ही कब था जेल में? जब मुझे कहते हो कि कब छूट के आए, तुम गाली मत दो मेरे, इसका मतलब मैं छूट के आया मतलब क्या? कि मैंने गलत काम किया था इसलिए मैं जेल गया था, और अब मुझे रिहा किया गया है। भैया मैं कभी जेल में गया ही नहीं था। क्यों? मैंने कभी गलत काम किया ही नहीं। इसलिए छूट के आने की खुशी उसको नहीं होती है, उसको तो गाली जैसा लगता है। कि इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि मैंने गलत काम किया था, जबकि मैंने नहीं किया। इसीलिए मुझे मुक्त कहना वो गाली देते हो। मुझे कभी मुक्त नहीं कहना, क्योंकि मैं बंधा हुआ कब था? नहीं, लेकिन आप संसार में थे, कुटुंब परिवार वाले थे, तब तो फंसे हुए थे क्या? तब भी मैं फंसा हुआ नहीं, तब भी मैं मुक्त था, लेकिन अज्ञानता से मुझे बहुत फंसा हुआ मान रहा। जब मुझे ज्ञान हुआ तो पता चला कि मैं तो कहाँ फंसा हुआ था। सब कुटुंब परिवार वाले भी अलग और मैं भी अलग, मैं तो परमेश्वर था, मैं कहाँ फंस गया था? फंस गया हूँ ऐसा गलती से मान लिया था। तो चेंजेस कहाँ किया हमने? आत्मज्ञान हुआ तो क्या शरीर को अलग कर देते हैं, काट के आंखें फोड़ देते हैं, क्या करते हैं? ये आंख मेरी नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मैं तो परमात्मा हूँ, ऐसा बंद करते हैं और क्या? और इससे बहुत बड़ी शांति मिल जाती है। कि शरीर में कोई रोग आएगा तो ऐसा नहीं लगता है कि और क्या करूँगा, उसको भी जानना है। मृत्यु भी आ जाए तो जानना है, क्योंकि मेरी मौत नहीं है, मैं तो जानने वाला हूँ। पहले क्या था, थोड़ा कुछ हो तो हैरान परेशान हो जाता, क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप का भान नहीं था कि मैं अजर अमर हूँ। बाद में जब ज्ञान होता है तो क्या होता है, शरीर कोई अलग नहीं हो जाता है, उसी शरीर में रहता है। लेकिन पहले में और बाद में क्या फर्क पड़ गया? कि पहले शरीर को अपना मानता था और उसकी संभाल रखता था। आज भी दवाई खाना पीना सब चालू है, लेकिन संभाल नहीं है जो पहले लेता था। अपना नहीं माना, अगर आ जाता है तो जाना क्या फर्क पड़ता है? इसलिए कोई फिक्र की बात करता है कि ध्यान रखो तो हमको तकलीफ होती है। यहाँ पर एक जो प्रश्न था उसके डेफिनेशन में अपेक्षा, निवृत्ति की अपेक्षा, अपेक्षा नहीं रखना आप बोल रहे हैं, अपेक्षा और भावना का डेफिनेशन क्या है? भावना तो यही रहती है, क्या रे थे सुबाय अंतर। भावना में क्या है कि अपनी वर्तमान पोजीशन का ख्याल बंद करना और अपने से आगे जो ज्ञानी पुरुष है उनका भी ख्याल, तो मैं कितना कमजोर हूँ, अभी भी मेरे में कितने राग द्वेष होते हैं, ऐसा उसको अपनी अवस्था का भान है, इसीलिए वो भावना करता है क्या? लेकिन अपेक्षा में तो गड़बड़ होता है, अपेक्षा में द्रव्य का अपमान करता है, भावना में अपमान नहीं करता है द्रव्य का। और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, तो भावना भले ही पर्याय दृष्टि की है, मुनिजात बनने की है, आगे बढ़ने की, सर्वसंग परित्याग, लेकिन वो कैसे होगा वो पता है, कैसे होगा वो अंदर जाएगा। तो वो भावना के अंदर जो मुनि बनना है, क्या रहते हैं इसमें बाह्य अंतर निर्गुण, उसमें मुनिराज की भावना कहने में तो ये आएगा कि मुनि बनना है, भगवान बनना है,
लेकिन साथ में उसको पता है कि मैं कैसे बनूंगा, अंदर ही कहना है जानना तो किसका प्यार है, आत्मा से वो ऐसी भावना है। अपेक्षा में तो अपेक्षा में तो वो बोलता है कांटा हटेगा तो मैं चलूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठे रहूंगा, है मुझे जाना है आगे, लेकिन क्या करूं बीच में कांटे हैं। तो हमको तो हमको तो वही चाहिए, परेशानी ना हो ऐसा। ये क्या करते हैं मालूम है, परेशानी आई नहीं आता, परेशानी इधर है चित्त में देखा की, और फिर लड़ाई करना जैसा कि हम बहुत बहादुर है। लेकिन भैया किससे लड़ते हो, अपनी परछाई से लड़ते हो, परेशानी है काम, लेकिन बहादुर जी किसको बताएगा, इसलिए क्या करता है अपने ख्यालों में पूड़िया पकाता है जैसा बोलते, पहले हैरान हो जाता है ख्यालों में, और फिर वो द्रव्य दृष्टि करके देखो मैं सह मैंने जैसे साधना क्या की खाप की। ये कहानी आती है ना, मैं बताऊँ मैं आपको कहानी क्या आती है। एक भिक्षु को लड्डू मिल गया जो कभी नहीं मिलता था, लेकिन शेठ के घर में क्या था, वो बहुत बड़ी पार्टी थी, लड्डू बच गए थे, उसमें ये आ गया, इसको दे दिया एकदम सुगंधीदार लड्डू, गोल गोल बूंदी का लड्डू। क्या 12 बजे का टाइम, हम गांव में तो 12 से 3 सब लंच करके सो जाते हैं, 3 बजे दुकान खोलते, पूरा गली बिल्कुल सुनता हूँ, धूप तो बहुत जबरदस्त, लड्डू मिल गया तो आओ आज तो बहुत मजा आएगी करके वो लड्डू की खाने की खुशी की खुशी में आगे बढ़ता है। क्यों पैर में वो जो पत्थर लग गया, तेज लग गई, गिरा, गिरते वो लड्डू जो गिर के वो गंदा पानी बह रहा था वहाँ जाके गिरा, लेकिन जाते ही रुक गया, तो ऊपर का पोर्शन क्या था अच्छा था, नीचे का पोर्शन गीला हो गया, खाने का तो इतना उसमें इंटरेस्ट था तो क्या किया, ऊपर का तो अच्छा है नीचे का फेंक दूंगा थोड़ा निकाल, लेकिन देखता है कोई देख लेगा तो आजू बाजू देखता है तो कोई नहीं था, क्योंकि दोपहर के टाइम में सब घर में आराम करते हैं। क्या जब से उसने उठाया, उठाते ही सामने से किसी ने आवाज दी, कोई आ गया इतने में, ये तो गंदा हो गया है। क्या हाँ मुझे मालूम है क्या गंदा है, साफ करके फेंक दूंगा। क्या समझे आप, ये मुसीबत है, क्या है मुसीबत है यही, अब कितनी ही परेशानी हो आपको कौन रोक रहा है अपने आत्मा में जाने से, किसकी मजाल है, सत्संग में जाने से कोई रोकेगा क्या, आंखें कमजोर होगी तो शास्त्र नहीं पढ़ सको, लेकिन आत्मा में जाने से कौन रोकेगा, उसमें तो आंख कान नाक कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ज्ञान चाहिए, वो तो आपके पास है, वो ज्ञान को अंदर ही मोड़ देना है, कहीं बाहर तो लेके जाना नहीं, जहां से वो आया है वहीं लेके जाने का, फिर तकलीफ किस बात की है, फिर क्यों निवृत्ति चाहते हो, ये तो काम नहीं करना है ना तो क्या होता है, कुछ ना कुछ बांधना, हमारी साधना क्यों कमजोर चल रही है, क्या प्रवृत्ति इतनी है ना, क्या बाकी मैं तो मेरे को बहुत मालूम है, एकदम दंगनाती है, एक दफे मेरे को छुट्टी करने था, देखो मजा कैसे करता हूँ, ऐसे को कभी कुछ नहीं हो, अपन जब बार बार यात्रा जाते हैं तो मैंने पहले से प्लान कर दिया, तो साधना होगी तो करेंगे नहीं करेंगे, घूम के ऐसे आ जाएंगे माइंड फ्रेश कर, नहीं होगी तो ही फायदा है, क्यों कि वहां जाकर के भी हमने पाया साधना नहीं, उसका दुख है ना अंदर में लगे, वहां जाकर के भी घूमने में उसमें उसमें बिता दिया टाइम, कम से कम वहां तो भी ध्यान करते थे, लेकिन वहां ध्यान नहीं किया, इसका जो गम है ना अंदर में खा जाता है, तो यहाँ आकर के ज्यादा साधना हो जाएगी, वजह से भी ज्यादा साधना का लक्ष्य जब रख रहे तो सब गड़बड़ हो जाती है, शांति रहती है और साधना अच्छी होती है, क्योंकि हम लोग बिजनेस के कोई कार्य में हमको करना जरूरत नहीं पड़ता, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग तो हमारे मार्ग की बहुत महिमा है, बहुत भावना है मार्ग के प्रति, बहुत प्रेम है अपने आत्मा से, लेकिन सोचने की बात यह है कि आत्मा का अगर कोई कार्य करना है ना तो हमको भोजन क्यों,
आत्मा के लिए अगर हमको सामना करना है तो हमको स्पेशल अटेंशन चाहिए, स्पेशल प्लानिंग चाहिए, सब स्पेशल वातावरण चाहिए, तो ही मैं करूँगा। यही अपनी वीकनेस है, यही पे अपनी साधना में कमी है, यही पे अपना पुशअप कम है, क्योंकि अगर हमको हमारे को साधना करने ही मजा लगता है तो फिर कहीं ना कहीं अपने क्योंकि साधना करना क्यों मजा लगता है, सरल लगना चाहिए, मार्ग बहुत सरल है और ये नेचुरल होना चाहिए, सरल लगना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। पेंसिल कहते हैं कि इस रजकण को भी अपना नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद का तत्व है और हम चेतन तत्व है, इसलिए लाख कोशिश करने के बाद भी एक जड़ पदार्थ को हम अपना नहीं कर सकते, लेकिन अपने में ही ध्यान रख करके हम केवल ज्ञान पा सकते, इतनी ताकत हमारे। तो मार्ग कौन सा सरल है, अंदर में रह करके भगवान बन जाना वो सरल, और अंदर में नहीं रहकर के बाहर में कुछ भी करना है तो वो अपने हाथ की बात नहीं, क्यों बाहर में कुछ करना है तो हमको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जब पाप भी करना है तो सामने कोई चाहिए ना गाली देने वाला, तब क्रोध करोगे क्या, अगर दान भी करना है तो कोई भिखारी चाहिए ना जिसको हम बचा हुआ दे देवे, किसी को भी अपने पुराने कपड़े दे सकते हो, आजू बाजू पड़ोसी में दे सकते हो, वो मारने को आ जाएंगे क्या समझ के रखा है, नहीं लेकिन ये भेज जाते हैं ना, हमारा पुराने हो गए 2 साल पहले, रिश्ते में भी अगर कोई गरीब है ना तो उनको ही बोलना पड़ता है, अगर आपको तकलीफ न हो तो हम दे रहे, क्या रिश्ते में भी अगर कोई गरीब आदमी है उनको देना है कि देखो भाई बुरा नहीं लगा ना, कंडीशन तो अच्छा है, लेकिन अभी क्या 2-4 दिन नहीं ले लिया है तो फिर सोच रहे डिस्पोज करना चाहते हैं, अगर आपको तकलीफ न हो तो आपको ऐसा बोल कर देना, ऐसे जाकर देखिए आओ वो लोग क्या बोलेंगे, देखो बड़े पैसे वाले हैं, अपना गुमान दिखा रहे हैं, बड़ेपन दिखा रहे हैं, हमको छोटा समझ रहे हैं, इसलिए अपने को पहना हुआ कपड़ा देते हैं, क्या बस मुसीबत है, अच्छा काम करो या बुरा काम करो उसमें हमको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ये हम अपने मन चाहे ढंग से नहीं कर सकते, लेकिन स्वभाव में जाना हो, केवल ज्ञान प्राप्त करना हो, भगवान बनना हो, हमको दुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती, लेकिन क्या करें इतना अज्ञान है कि हाथों से दुखी होते हैं, बाद में रिपेयरिंग करने में टाइम जाता है, दुखी होने में टाइम, बाद में रिपेयरिंग करने में टाइम, और इतने में टाइम बहुत वेस्ट करके दुर्गति में चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं, इसलिए निवृत्ति हो चाहे प्रवृत्ति हो चाहे जैसी स्थिति हो हमको अभी इसी वक्त साधना करना है, तो माइंड में से निकाल दो निवृत्ति मिलेगी तो करेंगे, एकांत मिलेगा तो करेंगे, ये शोर सारा बहुत है तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं आपको साधना करनी नहीं है, अगर करनी होती तो डिस्टर्ब नहीं होते, ये बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, आपको नोट गिनना है तो कौन डिस्टर्ब करता है, अमेरिका वाले ने बोला बाद में कैसा, अरे बाद में क्या आपने डिसीजन ले लिया है कि नहीं लिया है कि हमको मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से छूटना है, अब घड़ी घड़ी क्या हो याद करके चेंज करते रहो क्या 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 नहीं, एक फिक्स हो गया अभी आप भूल जाओ दुनिया को पूरी, एक ही गोल याद रखो ज्ञान को छूटना, दूसरा कोई याद रखने की जरूरत, और वो भी आप हर 24 घंटा कंटिन्यू अगर उसको याद करोगे तो बाद में वो भी याद रह जाएगा, आपको वो भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नेचुरल परिणाम है, फर्स्ट टाइम गोल आगे पीछे होता है तो फर्स्ट टाइम अपने को नक्की करने में सिंसियर रहना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये 24 घंटा 48 घंटा चले गए हम अगर कंटिन्यूस अगर हमारा गोल को ध्यान में रख लिया बाद में वो ऑटोमेटिक होता है, बाद में जो भी होता है वो निपटाना पड़ता है, गोल नहीं है वो हमारा, आएगा प्रॉब्लम छोटे मोटे बहुत आते हैं लेकिन कैसा है निपटा लेने का, क्योंकि मेन गोल हमने फिक्स कर दिया है, इसीलिए और फिर वो इजी गोल सेटिंग होने के बाद बहुत इजी, लेकिन गोल सेटिंग नहीं किया तो बहुत तकलीफ, बार बार हम भूल जाते हैं अपनी शांति को, भूलते हैं जूते खाते हैं,
बार बार याद कर लेते हैं, जबकि वही संभालना है कि हमको शांति का टारगेट, हमको आगे पीछे नहीं होना है चाहे जैसी परिस्थिति हो, बल्कि प्रॉब्लम नहीं है कोई, फिर लगता है कि यही मार्ग सरल है बाकी सब कठिन है। उसमें जबरदस्ती उपयोग लगाना पड़ता है, वो अच्छा नहीं लगता, संसार के कोई भी काम किसी के साथ फ्रेंडशिप या एक बिना वजह की बात करना, उधर बिना वजह जाना आना, नीति निभाने के लिए सोसाइटी में स्थान लेने के लिए, ये सब तो भूल जाता है आत्मा के लिए। क्यों भूल जाता है? क्योंकि उसको तो आत्म कल्याण करना है, दो जगह टाइम नहीं दे सकता है, आत्मा का भी करना और बाहर का भी करना, तो दो जगह टाइम नहीं दे सकता, दो जगह टाइम नहीं देता है, तो फिर वो एक ही लाइन रुकावट साधना में आगे बढ़े तो भी रुकावट है, वेतन ज्यादा आया संतोष आ गया तो भी रुकावट है, क्या उतना आता है जितना मुनिराज को आता है, उतना आता है जितना भगवान को आता है, क्या है? क्यों हो गए खुश बन के महात्मा? क्योंकि तुम तो हो परमात्मा, महात्मा ही बन गए तो क्या हो गए, मंजिल थोड़ी है महात्मा ही बने रहना, आगे नहीं बढ़ना है, परमात्मा नहीं बनना है, मत हो जाना खुश बन के महात्मा, क्योंकि तुम तो हो परमात्मा, जब तक परमात्मा पद हासिल नहीं हो तब तक शांति से बैठना नहीं। परमात्मा को फाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो किनारे पे पहुंच गए, कौन बीच वाले जिनकी शुरुआत तो हो गई है, तैरना तो आ रहा है लेकिन अभी किनारे पे नहीं पहुंचे, गौ सागर में ही है और बिगन, उनको तो तैरना आता ही नहीं है, तो फिर उनको ना तैरने का भाव भी नहीं आता है, तो मैं डूब रहा हूँ भी पता नहीं है उनको, मैं डूब रहा हूँ दुखी हो रहा हूँ पता कहाँ है, राजदेश करके मैं अपने को ही जला ले जाऊँ, अपने को ही डूबाता हूँ, उसका पता कहाँ है क्या नहीं, कभी तो सच्चा सुख मिला नहीं तो किसके साथ मिलान करेगा कि मैं दुखी हूँ, उसको तो अच्छा परिस्थिति बुरी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति माने दुख और अच्छी परिस्थिति माने ग्राहक नहीं आता है तो दुखी हो जाता है, ग्राहक आता है अच्छी परिस्थिति हो गई तो सुखी मानता है, बीमारी आए तो दुखी होता है और बीमारी मिल गई तो सुखी मानता है, उसको कब पता है कि सच्चा सुख क्या है, तो कंपेयर किसके साथ करेगा वो, तो दुख को नकली सुख के साथ कंपेयर करता है, क्या करता है, दुख को नकली सुख के साथ कंपेयर करता है, थोड़ा नकली सुख मिला पूरे पुण्य के उड़े से राजी राजी हो जाते, बुढ़े बोलते थे वो गांव में क्या होता है, गाय भैंस के जो गोबर देते हैं तो म्युनिसिपैलिटी को उठाना नहीं पड़ता है गोबर, गरीब लोग क्या करते हैं खुद ही उठा लेते हैं, क्यों, उसी गोबर से वो क्या बनाएंगे, छाने बनाएंगे, हम लोग बना देते हैं हमारे घर में बच्चे जब छोटे होते तो हमारे घर में छाने बनाते, क्यों मालूम, ऊपर से ऐसा ऐसा करके हाथ गोल गोल छाना बनाते, उसको धूप में रखते छपरे के ऊपर, वो सूख जाता है ना जब, तो लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं है, वो ही डालते चूल्हे के अंदर, पैसे बच जाते। इसके अलावा जो झोंपड़ी बनती है ना, झोंपड़ी की जो गादी होती है ना, वो गोबर से रंगी जाती है, पत्थर में वो नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं, चौथे जो नहीं है पत्थर की, हाँ टाइल्स तो बहुत ऊंची बांटे लादी, सीमेंट सीमेंट वाले लादी आती है ना, वो भी नहीं,
क्या घर के अंदर पूरा छान का ऐसा लेप करते और सूख जाता ना तो दादी का काम करता और ठंडक भी रहती तो गोबर उठाने की जरूरत नहीं है, म्युनिसिपैलिटी के साफ करने वाले की जरूरत नहीं है, खुद ही आकर के लोग उठा लेते। तो गुरुदेव ऐसा बोलते थे कि छाना ना पोडेड़ा में राजी राजी थे क्या सुन के वो मिले ना राजी राजी हो जाए हाथ। वो एक्चुअल में क्या है, वो जानवर का मल मूत्र है, एक्चुअल में तो वो बिल्कुल गंदी चीज है, लेकिन ये जीव तो उसमें भी राजी हो जाता है, मिल जाता है। ये इसकी मूर्खता का कोई हद है ऐसा। तो सच्चा सुख जब तक नहीं मिलता है अंतर का, तब तक किसके साथ मिलन करेगा कि मैं रास्ता भटक गया हूं, मैंने झूठे को ही सच्ची असली सुख मान लिया है, गलती कर दी है, उसको कैसे पता चलेगा? इसीलिए जो अज्ञानी है जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं, उनका तो वार्ड शुरू ही नहीं हुआ, वो पिता वार्ड के ही मर गए हैं क्या? वो मैदान में जाएंगे क्या? पहले ही मरे हुए मुर्दे हैं तो क्या मैदान में जाएंगे? और परमात्मा वो जन गीत करके आराम से बैठे हैं, उनको लड़ने करने की जरूरत नहीं। हंसे कौन? जिन्होंने अपने आत्मा को जाना है वो फंस गए, आजा फंसा जा हो गया, अब वापिस भी जाना मुश्किल और आगे बढ़ना भी मुश्किल। परेशानी इस बात की है कि वापिस जा नहीं सकते अब और आगे बढ़ते नहीं, ज्ञानी को कौन सी परेशानी होती है? और क्या परेशानी है बताइए, चलो ज्ञानी को कौन सी परेशानी? सबसे ज्यादा सुखी और जब सबसे ज्यादा परेशान है तो ज्ञानी है, क्या दुखी भी उतना ही है और सुखी भी उनके इतना कोई नहीं कि परमात्मा को पा लिया तो क्या तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कि दुखी क्यों होते हो? दुखी भी उतने होते हैं क्योंकि अंदर के तार मिलते नहीं, कोशिश बहुत करते हैं। ये अजीब बात है। इसलिए गुरुदेव को पूछा कि ज्ञानी को आत्मज्ञान होने के बाद निरंतर तो उपयोग अंदर में रहता नहीं, जो गा भी तो रहता है, टीवी भी देखते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, साथ ही बढ़ते हैं, मंदिर में पूजा भक्ति भी करते हैं, जरूरत क्या है पूजा भक्ति की? हम उसको राजदेश करने की क्या जरूरत है? परमात्मा मिल गया तो रहता क्यों नहीं अंदर, बाहर क्यों निकलता है? चलो पहले पता नहीं था, अब तो पता हो गया ना कि मैं परमात्मा हूँ, रहो ना अंदर, लेकिन वो रहता नहीं, उपाय आता है, राजदेश होते हैं। एक एंगल से क्या कहते हैं मालूम? श्रद्धा के एंगल से। ज्ञानी को राग है लेकिन वो अपना नहीं मानता है। क्या मानता है? मैं तो परमात्मा। ये राग कौन करता है? क्रोध कौन करता है? अशुभ भाव शुभ भाव कौन करता है? समय सर ने क्या कह दिया? वो अवस्था में हो रहा है और अवस्था मेरी, मैं कौन हूँ? तो परमात्मा ज्ञान ना हो गई छुट्टी। लेकिन अपना प्रण साहब का दर क्या कहेगा? ज्ञानी होकर के तुमको शर्म नहीं आती कि परमात्मा होकर के ऐसा उपयोग बाहर रख करके दुखी होते हो देखकर? इतने राजदेश तुम बाहर क्यों निकलते हो? चाहे तुझे सजा मिलेगी, अब रोज सुबह जाकर के मंदिर में दर्शन करना, भगवान के शास्त्र इतना घंटा पढ़ना, इतने उपवास करना, इतना ये करना, सब नियम लगाओ, धंधा मारो, बहुत तूफान हो गया है, ऐसा करके रत्नकरण साहब का धन उसको गालियां देंगे। ऐसा क्या ज्ञानी हो गया, बड़ा बड़पन करता है। तो गुरुदेव को पूछा कि जब ज्ञानी चौथे गुणस्थान वाले को अपनी अवस्था में जो रागदेश के परिणाम दिखते हैं तो वो उनके लिए एक नेह है कि हे जब कैसा सवाल किया है, और उनको मेरे नहीं ऐसा करके सुख मिलता है कि मेरे है मेरी गलती है करके दुख मिलता है? क्या होता है? ये गुरुदेव को प्रश्न किया है, अपने ज्ञान गोष्ठी में है, अपने लिए नहीं हो चैप्टर लेकिन लेना है। अपनी अवस्था में होने वाले राग द्वेष के शुभ अशुभ परिणाम को वो क्या मानता है?
अपना मानता है कि पराया मानता है, उसको दुख होता है कि सुख होता है, क्या होता है? तो गुरुदेव ने जवाब दिया, ने भी है और हे भी है, ने भी और हे भी, क्योंकि दोनों एंगल है ना, श्रद्धा के और आचरण। वास्तविक साधना तो वही है जो ने और हे में बैलेंस करता है। ने भी है और हे भी है, भिन्न रूप से जानता भी है कि ये तो मेरे अवस्था में, मेरे में नहीं, और साथ में अवस्था इतनी कमजोर है तो वो उससे आगे की पोजीशन को चाहते हुए उसको छोड़ना चाहता है, तो ये भी है। वो दूसरी बात, राग है सो ने भी है, राग जब होता है अवस्था में तो सुखी है कि दुखी है? सुखी भी है, दुखी भी है। क्या देखो कैसी मजा है, सुखी इसलिए है तो उसको पता है कि मैं तो पूर्ण शुद्ध हूं, और एक तो क्षण भंगुर अवस्था में हो रहा है, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। दुखी इसलिए है कि अभी भी मैं अपने स्वरूप में रहता नहीं हूँ, इसलिए आता है। अभी भी मैं अपने स्वरूप में रहता नहीं हूँ और अपने भावना के अनुरूप मेरा कार्य नहीं हो रहा। टारगेट तो पूर्ण शुद्धि का है, फिर भी राग तो आ रहा है, क्या दुखी भी हो रहा है? बहुत जबरदस्त ये राग और ज्ञान के जो बैलेंस है ना, अब तो हर जगह अच्छा लगता है और कहीं अच्छा नहीं लगता। બધુએ ગમે છે ને બધું નથી ગમતું, જયારે બધું જ ગમશે ત્યારે શાંતિ થશે। કેસી વાત લી, પ્રોબ્લેમ કહા હૈ સિદ્ધ ભગવાન નો જ્ઞાની મે, કે જ્ઞાની કો સબ અચ્છા લગતા હૈ ઓર સબ અચ્છા નહીં લગતા હૈ, ઓર સિદ્ધ ભગવાન કો સબ અચ્છા લગતા હૈ। ક્યા લેંગ્વેજ મે ક્યા જબરદસ્ત કમાલ કર દી। ડિફરન્સ ક્યા હૈ કે અભી ભી સબ અચ્છા નહીં લગતા હૈ, વહાં ગડબડ હૈ જ્ઞાની, लेकिन वो तो रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर अंदर में रहता, वास्तविकता का भान है। चर्चा तो बहुत अच्छी है, अभी एक घंटा निकल जाए ऐसा लगता है, लेकिन अभी लिमिट है ना, आधे घंटे का लिमिट है ना। क्यों आए ना? हाँ, जिसको चौबिया करना है वो जा सकते हो। आप बोले जोई वाले को जाने दो। मैं समझा ऐसा कि चोवे वाले को जाने दो, आप फिर कथा चालू रखो। मीनिंग दूसरा है, समझ नहीं पाता। अपन लिए नहीं ज्ञान गोष्ठी में, ये चैप्टर लिए नहीं। बैलेंसिंग जो है ना, प्रमाद भी नहीं, उतावल भी नहीं। इसका मतलब क्या? कब ऐसा होगा? निरंतर जागृति रहेगी तो लाइन बराबर, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं। अगर आप अवलोकन में रहते हो, भले ही वेद ज्ञान में ना सही, अगर आप निरंतर अवलोकन में रहते हो तो आपकी साधना बिल्कुल चालू है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, बस लाइन चालू है। क्योंकि मिनिमम आपको इतना तो करना ही है, मिनिमम आप अवलोकन में तो रहना है, ये मिनिमम है। उत्कृष्ट में वेद ज्ञान दो ही तो करने की चीज है, और क्या करो? स्वरूप में गए तो ना अवलोकन है ना वेद ज्ञान है, वहां तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं, वहां तो निरिकलता है। क्या उसको क्या कुछ अपने आप लेवल आ जाता है, लेकिन आप पांच बजे का इम्तिहान कहीं